स्ट्रेस ऑफ लाइफ। जटिल समस्या हो या हो भाग्य बाधा, व्यापार शादी नौकरी की चिंता हो या हो वैवाहिक जीवन में सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिष्य तथा वास्तु समस्याओं का सरल चमत्कारी एवं प्रभावशाली समाधान गुरु श्री अमरेंद्र जी के द्वारा। व्यक्तिगत या फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9199854000 पर या फिर आप ईमेल करें amrendra.astro01@gmail.com पर। और साथ ही साथ देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह चक्र, सिर्फ और सिर्फ सबरम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड संस, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, रांची। नमस्कार दोस्तों, ग्रह चक्र में आपका स्वागत है। मैं अमरेंद्र आज फिर से आपके सामने, आज एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने ज्योतिष से रिलेटेड आया हूँ, काल सर्प योग। आज मैं काल सर्प योग के बारे में विस्तृत चर्चा करूँगा कि काल सर्प योग होता क्या है, इसका निर्माण कुंडली में होता कैसे है, अगर काल सर्प योग आपकी कुंडली में विद्यमान है तो क्या प्रभाव हो सकता है, और अगर काल सर्प योग कुंडली में विद्यमान है तो उसका काट क्या है, क्या पूजा पाठ हो सकता है, क्या उपाय हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि काल सर्प योग जो है, अगर आपकी जन्मपत्री में सारे ग्रह राहु और केतु के अंडर में एक के बीच में आ जाए तो काल सर्प योग का निर्माण होता है। काल सर्प योग जो है 12 प्रकार के होते हैं। अगर प्रथम भाव में और सप्तम भाव में राहु केतु की स्थिति हो तो अनंत काल सर्प योग बन जाता है। द्वितीय और अष्टम में हो तो कुलिक काल सर्प योग बन जाता है। अगर तृतीय में राहु हो और नवम में अगर केतु हो तो वार्षिकी काल सर्प योग बन जाता है। चतुर्थ में अगर राहु हो और दशम में केतु हो तो संखपाल बन जाता है, और पंचम में अगर राहु हो और एकादश में केतु हो तो पद्म काल सर्प बन जाता है। षष्ठ और द्वादश का अगर संयोग हो तो महापद्म काल सर्प बन जाता है, और सप्तम और लगन का संयोग हो तो तक्षत काल सर्प योग बन जाता है, और अष्टम और द्वितीय का संयोग हो तो कर्कोटक काल सर्प बन जाता है, और नवम और तृतीय का संयोग हो तो शंखचूड़ काल सर्प बन जाता है। और यहाँ पर दो काल सर्प के बारे में मैं चर्चा करूँगा। अगर घातक काल सर्प योग जो कि दशम और चतुर्थ के संयोग से बनता है, अगर दशम में राहु आ जाए चतुर्थ में केतु आ जाए तो ये थोड़ा सा अगर कुंडली में और भी कुछ गड़बड़ योग हो तो थोड़ी सी परेशानियां करते हैं जातक के लिए। और दूसरा होता है एकादश और पंचम से बनता है विष्ठर योग, और एकादश में राहु आ जाए पंचम में केतु आ जाए तो भी थोड़ी सी परेशानियां होती है। और एक है द्वादश और छठे का संयोग, द्वादश में राहु हो और षष्ठ में केतु हो तो ये शेषनाग काल सर्प योग हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, ऐसा है कि राहु की जो गति है वो वक्री है, केतु की गति भी वक्री है। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, शतभिषा, स्वाति, और केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विन, मघा और मूल। और केतु के जो 3 नक्षत्र हैं ये ऑलरेडी गणमूल नक्षत्र में इनकी गिनती होती है, और वैसे भी गणमूल नक्षत्र जो होते हैं वो बहुत तीव्र नक्षत्र कहलाते हैं। अगर कुंडली में कुछ अशुभ योग हो तो वो बुरा प्रभाव भी कर देते हैं, लेकिन अगर शुभ योग हो तो उस बुरे प्रभाव को अच्छे प्रभाव में बदल देते हैं। एक बात और भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी कुंडली में राहु मेष में, वृष में, कन्या में, वृश्चिक में और कुंभ में विद्यमान हो तो परिणाम उतना बुरा नहीं मिलता है। देखिए क्या है, कुछ ज्योतिष विद्वानों के अनुसार काल सर्प अगर आपकी कुंडली में विद्यमान है तो बाधा, पारिवारिक परेशानी, वैवाहिक विलंब और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों की भी जन्मपत्री देखी है जिनकी कुंडली में काल सर्प योग विद्यमान थे
और उन्होंने जिंदगी में बहुत ऊंची सफलता पाई। देखिए, अगर आपकी कुंडली में त्रिकोण और केंद्र शुभ ग्रहों से प्रभावित है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो काल सर्प योग का जो प्रभाव है थोड़ा सा न्यून हो जाता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण अशुभ हो, बुरे और पाप ग्रहों से प्रभावित हो, अब अगर राहु की महादशा आ गई या केतु की महादशा आ गई, तो ये थोड़ा सा मतलब अप्रत्याशित और अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। और वैसे भी राहु और कालसर्प योग का जो रिजल्ट होता है, ये आपको 18 से 30 वर्ष के बीच में ही मिलता है, तो इतना पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इसको पकड़ने का भी तरीका बड़ा आसान है। अगर आपकी कुंडली में कालसर्प योग विद्यमान है, तो आपको अगर सपने में मृत लोगों की कभी छवि दिखाई पड़ती हो, कार्य बिगड़ते बनते बनते बिगड़ जाता है, अगर हमेशा आपके घर में सर्प निकलता है, अपने आपको आप फील करते हैं कि मुझे सांप ने काट लिया, फिर उसके अलावा सपने में ऊंचाई से गिरना, घर में आपसी झगड़ा, उसके अलावा मान सम्मान में कमी, आपके घर का जो बाथरूम है अगर उसमें पपड़ी पड़ जाए, अब किसी तरह का प्रॉब्लम्स आए, तो समझ लीजिए कि आपके मतलब आपके घर में किसी न किसी के कुंडली में कालसर्प योग विद्यमान है और राहु का प्रभाव भी है। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई दोस्तों कि अगर कालसर्प हो तो ये होगा वो होगा। हाँ, उसमें दो तीन चीज़ हमेशा याद रखना है कि अगर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आप अपनी जन्मपत्री देखते हैं और अगर आपकी कुंडली में कालसर्प योग विद्यमान है, तो आप देखेंगे चार्ट में डिग्री लिखी होती है राहु की। अगर मान लिया राहु 18 डिग्री में है, केतु भी 18 डिग्री में ही आ जाएगा। अगर आप देखें कि कोई दूसरा ग्रह 22 डिग्री में चला गया है, 25 डिग्री में चला गया है, तो ये मान के चलिए कि राहु केतु से आपको निजात मिल गया, वो काल सर्प से बिल्कुल आप मुक्त हो जाइएगा। क्योंकि अगर राहु के डिग्री से कोई ग्रह बाहर निकल गया, तो आपको राहु केतु बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, काल सर्प से परेशानी नहीं आएगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है, उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, सूर्य अपने नक्षत्र में है, तो राहु की परेशानियां नहीं आएगी। उसी तरह मंगल अगर आपकी कुंडली में उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, राहु मंगल अपने नक्षत्र में है, तो समझ लीजिए राहु की उतनी परेशानियां नहीं आएगी। हाँ, राहु केतु के साथ अगर चंद्रमा ने, शनि ने, सूर्य ने और लग्नेश ने युति की है, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो किसी भी विद्वान ज्योतिष को दिखाकर आप उसका सम्यक उपाय कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों, कालसर्प योग अगर आपकी कुंडली में विद्यमान है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किस तरह से उससे। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से राहु अगर कालसर्प योग आपकी कुंडली में बन रहा है, तो उससे कैसे हम लोग निजात पाएंगे। देखिए, कालसर्प योग अगर आपकी कुंडली में है, तो आप अपने से भी नहीं तो किसी भी विद्वान ब्राह्मण से सर्प सूक्त का पाठ करिए। आप सोमवार से भी शुरू कर सकते हैं, अपने से भी सर्प सूक्त का पाठ, और 27 दिन तक कंटिन्यू कीजिए। हर महीने दो बार पंचमी तिथि आती है। पंचमी तिथि जो है हम लोग नाग देवता के लिए भी मानते हैं, नाग पंचमी भी कही जाती है। उस दिन आप 5 जोड़ा नाग नागिन ले लीजिए चांदी का, और यथोचित शिव जी की पूजा करके, शिव की पूजा करने के बाद वो 5 नागिन नाग नागिन का जो जोड़ा है, हर बार एक ही जोड़ा चढ़ाएंगे और 5 बार चढ़ाएंगे, उस जोड़ा को शिव जी के ऊपर चढ़ाइए। और जब भी चढ़ाइए तो राहु का भी मंत्र जप सकती हैं, केतु का भी रख सकती हैं, शिव जी का भी मंत्र जप सकती हैं, और थोड़ा सा फूल वगैरह भी करिए, उससे भी आपको कालसर्प योग से शांति मिल जाएगी। नाग गायत्री का जप करें, नाग गायत्री का जप करें, बहुत सिंपल है, नोट कर सकते हैं आप। ओम भुजंगाय विद्महे सर्वराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। इस जप का अगर आप 72,000 जप कर लेती हैं, तो समझ लीजिए आपको राहु और कालसर्प योग से शांति हो जाएगी। चूँकि इस योग का निर्माण राहु और केतु से होता है, भगवान शिव जी की आराधना करें, जब मौका मिले रुद्राभिषेक करें,
और घर में एक पारद शिवलिंग की स्थापना करें और जब मौका मिले उनको थोड़ा सा गंगा जल चढ़ाएं, आपको फायदा होगा। महामृत्युंजय का जाप करें, और अगर आप बाहर जाकर कहीं पूजा करवाना चाहते हैं तो कालाहस्ती मंदिर है साउथ में, वहाँ जाकर पूजा करवा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर नासिक में जाके आप पूजा करवा सकते हैं। उज्जैन के महाकाल में भी जाकर आप पूजा करा सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपकी कुंडली में कालसर्प योग है, आपको लगता है किसने डरा दिया है, तो ऐसा नहीं है। आप नवांश को भी देखिए, जो 16 चार्ट्स होते हैं षोडश वर्ग, उसको देखिए, और वर्तमान महादशा का भी आप अध्ययन करें, उसके बाद ही किसी तरीके से आप उसको अपनाएं, ठीक है। और गणपति सरस्वती की भी अब आराधना आप नियमित करते हैं तो भी कालसर्प योग से बिल्कुल आपकी शांति हो जाएगी। गणपति का तात्पर्य मेरा ये हुआ कि राहु के जो अधिष्ठात्री देवता है वो सरस्वती माता है, और केतु के जो अधिष्ठात्री देवता है वो गणपति है, और ये योग जो निर्मित होता है राहु और केतु से होता है। तो दोस्तों, आज आपने मुझे मौका दिया एक बहुत ही अच्छा, एक ऐसा योग जो ऑलमोस्ट बहुत लोगों की कुंडली में पाया जाता है, और बहुत लोग के मन में ये भ्रांतियाँ फैली हैं कि मेरी कुंडली में कालसर्प योग है, ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान से ऊपर कोई नहीं है, मंत्रों से ऊपर कोई नहीं है, तरीके से अध्ययन करें जन्मपत्री का। हाँ, एक मेरा जरूर आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, कालसर्प योग अगर आपकी कुंडली में है तो भूल कर भी गोमेद और कैटसाई नहीं पहनिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड संस, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, रांची।